चिकित्सालय के अंदर उनमें से जैसे आप जानते हैं चार मरीज जयपुर चले गए, दो मरीज की डेथ हो गई। अभी तक हम 20 पेशेंट्स को डिस्चार्ज कर चुके हैं, एक पेशेंट नेगेटिव है जो हमारे स्टेप डाउन आइसोलेशन में है और एक पॉजिटिव है जो कंप्लीट आइसोलेशन वार्ड के अंदर। अरे भाई साहब आप इधर आ जाओ। आज भीलवाड़ा के लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारे कलेक्टर महोदय श्रीमान राजेंद्र कुमार जी भट्ट के द्वारा हमारे 9 मरीज जो पिछले 14-15 दिन से यहाँ पर इलाज दे रहे थे, जिनकी की 3 रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद में आज उनको डिस्चार्ज किया गया है। कलेक्टर महोदय के हाथों से उनको डिस्चार्ज टिकट, दवाइयाँ और कुछ देके उनको यहाँ से भेजा गया है। और जैसा कि आपको सबके पेशेंट्स के आपने अपने बात कर ली है, और मैं और भीलवाड़ा की पब्लिक को और आप सब लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ सिर्फ 2 ही मरीज यहाँ पर इस आइसोलेशन वार्ड में और स्टेप डाउन आइसोलेशन वार्ड में है। एक पेशेंट नेगेटिव हो चुका है, जो कुछ आने जब उसका थर्ड सैंपल नेगेटिव हो जाएगा तब डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। और जो एक पेशेंट, जैसा कि आप सब जानते हैं, जो टीचर हैं, वो परसों ही पॉजिटिव आए हैं, उनको भी 12-14 दिन लगे हैं यहाँ पर और उम्मीद है कि वो भी सबकी तरह नेगेटिव होकर यहाँ से जाए। उसके रिजल्ट हमें अच्छे मिल रहे हैं। आज 9 पेशेंट और हमारे डिस्चार्ज हो गए हैं। अभी 2 पेशेंट मेरे पास और हैं, एक पॉजिटिव पेशेंट है, उसका आज हमने वापस टेस्ट भिजवाया है और जो लेटेस्ट ड्रग्स हैं वो हम लोग काम में ले रहे हैं। हमने इन सबकी इकोकार्डियोग्राफी भी की है और 2 पेशेंट हमको ऐसे मिले जिनके वॉल में खराबी थी, और एक हार्ट पेशेंट है जिसके अंदर इको करने के बाद मिला वॉल मोशन एबनॉर्मल, उनका हार्ट का ट्रीटमेंट भी हमने दिया है। और अभी भी मेरे पास ऑब्जर्वेशन वार्ड में, आइसोलेशन ऑब्जर्वेशन वार्ड में करीब 50 मरीज भर्ती हैं जिनके हमने सैंपल कराए हैं, और जब उनके सैंपल नेगेटिव आते जाएंगे हम उनको डिस्चार्ज करते जाएंगे। इसके अलावा पूरे क्षेत्र में गुर्दे के रोगी हैं, हार्ट के पेशेंट हैं, फ्रैक्चर के पेशेंट हैं, वो लोग भी यहाँ आ रहे हैं, उन लोगों डायलिसिस के पेशेंट हैं, उन लोगों को हम सुविधा दे रहे हैं। और जो पेशेंट कहीं भी इलाज नहीं मिल पा रहा है वो आज MG के अंदर हम लोग दे पा रहे हैं, और अभी हमारे लिए स्थिति चुनौतीपूर्ण है और हम पूरा कोशिश करेंगे कि जो भी जिम्मेदारी इस वक्त ने हमें दी है हम उसको पूरा कर पाएं।